माई डयर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स जो सन है इट इज़ दैन सोर्स ऑफ एनर्जी सन हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियशंस सन मुख्तलिफ़ क़स्म की रेडियशंस इमिट करता है इन्हीं में से एक टाइप की रेडिएशन होती है जिसको कहते हैं इन्फ्राडेड रेडियशंस जब यह इन्फ्राडेड रेडियशंस हमारी अर्थ पर पड़ती है अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या अर्थ की जो सरफेस है वो हीट अप हो जाती है अर्थ इन रेज़ को रीइमिट करती है टोर्ड द आउटर स्पेस मगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में या बाकी प्लानट्स में भी ऐसा होता है वहाँ पे कुछ गैसेस होते हैं वो इस हीट को एब्ज़र्व करते हैं और रीइमिट करते हैं टोवर्स अर्थ सरफेस जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो ये इफेक्ट है इसको नाम देते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो गैसेस होते हैं इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसे इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस दिस इज एम असलम एंड यू आर वॉचिंग फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस क्या होता है ए ग्रीन हाउस गैस इज़ अ गैस that absorbs and emits radiant energy within the thermal infrared range, causing the greenhouse effect. जो हमारे अर्थ में अर्थ के एटमासफियर में प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, वो है वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन। ये ग्रीन हाउस गेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री पे रखते हैं अगर ये गैसेज नहीं होते तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर माइनस एटीन डिग्री तक हो सकता है जो बाक़ी सेलिस्टल बॉडीज़ है जैसे वीनस मार्स या टाइटन उनमें भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं सारे गैसेस ग्रीन हाउस गैस नहीं होते जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये प्रेजेंट होते हैं मगर दे आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन, क्लोरो फ्लोरोबन नाव वाट मेक्स ए ग्रीन हाउस गैस तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ग्रीन हाउस गैस की ये एब्जॉर्ब और इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन रेडियशन उसको ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन जो इसका स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का उसमें वाइब्रेशन होती है इन द इंफ्रारेड रेडिएशन रेंज ऑफ सिक्स टू ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर्स तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या मैंने बताया है जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस होता है उसमें कम से कम तीन एटम होने चाहिए या तीन से ज़्यादा एटम होने चाहिए वही गैसेस मोस्टली एक्ट करते हैं एज ए ग्रीन हाउस गैस फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे इट इज़ मेड ऑफ वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जो बाउंड होता है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अन शेयर्ड क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ ए लेस एलेक्ट्रोनीटि इसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है पार्शल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो इसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन आ जाती है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप ये एटम है ये नॉर्मल पोजिशन पे है ये एटम आप देखिए ये बहुत दूर है क्योंकि इसमें जब हीट इंफ्रारेड थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब की इसमें वाइब्रेशन आ गई तो एक एटम अपनी जगह पे रहा दूसरा एटम वाइब्रेट हो गया इसको कहेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेच मोड इसी तरह जब मॉलिक्यूल या एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसमें बैंडिंग हो सकती है अब देखिए यहाँ पे बैंड हुआ है ऑक्सीजन के दो एटम बैंड हुआ है इसको कहेंगे बैंडिंग मोड या तीसरे कंडीशन ये है दोनों एटम स्ट्रेच हो सके देखिए ये भी स्ट्रेच हुआ ये भी स्ट्रेच हुआ उसको कहेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेच मोड तो इस तरह से अगर किसी गैस को ग्रीन हाउस गैस बनना है या होना चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें डायपोल मोमेंट होना चाहिए और ताकि वो वाइब्रेट कर सके और एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट कर सके दिस कैंशल अब देखिए आप ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनमें जो दोनों एटम हैं दे आर एट द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस नहीं है तो दे विल नॉट एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस इसके बरस आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर्स उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बाउंड होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली शेयर वहाँ पे पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है सो वाटर वेपर एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे इसको लिखा है आप इसको पढ़ भी सकते हैं तो डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट या तीन या तीन से ज्यादा एटम होनी चाहिए वही गैस एक्ट काज ए ग्रीन हाउस गैस आई होप इट्स कलेक्ट यू नाउ जो ग्रीन हाउस गैस की कंसनट्रेशन है ये लगातार बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में क्योंकि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ मोस्टली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लैंड यूज चेंज एंड एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस थे प्री इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन से पहले दैट इज 1750 से पहले ट्रोपोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूंगा इसमें थे 280 पार्ट्स पर मिलियन मगर आज हमारी प्रोपोसिप्रिक कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की फोर अलेवन पार्ट्स पर मिलियन तो आप बाकी गैस का भी देख सकते हैं जिसको आप देखिए प्री इंडस्ट्रिय एंड रिसेंट जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो कौन कौन से है कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इट इज प्रोड्यूस बाई लिविंग ऑर्गनिजम्स एंड फर्मेंटेशन इट इज रिलीजड थ्रू नेचुरल प्रोसेस रेस्परेशन वालक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिफारस्टन लैंड यूज चेंजस बर्निंग फासिल फ्यूल्स जो बर्निंग ऑफ फासिल फ्यूल्स हैं ना ये रेस्पांसब्ल है तकरीबन एटी सेवन परसेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और यह इंक्रीज हुआ ट्वेंटी सेवन परसेंट सिंस द इंडस्ट्रियल्यूशन तो ये एक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए नंबर सेकंड इज मीथेन मीथेन इज नेचुरल ऑकरिंग इनफ्लेमेबल गैस ये हाइड्रोकार्बन गैस होता है इट इज़ प्रोड्यूस बोथ थ्रू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ वेटलैंड मीथेन एमिशन की वजह से एरोबिक मीथेन प्रोडक्शन की वजह से आर्कटिक मीथेन एमिशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से तो रिमनेंट डाइजेशन जो रिमिनेट एनिमल्स होते हैं जब उनमें माइक्रोबल डाइजेशन होती है र्यूबिनेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके स्टोमिक में रूमन एक पार्ट होता है तो वहाँ पे जो सेल्यूलोस होता है फूड का या ग्रास के अंदर उसको वो डाइजेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं रिमिनेटिंग डाइजेशन या माइक्रोबल डाइजेशन तो वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है फॉसल फ्यूल प्रोडक्शन मैन्युअल मैनेजमेंट एसोस डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक तो ये सारे रेस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस को रिलीज करने में एटमॉस्फेयर में तो ये जो मीथेन है इट इज़ फार मोर एक्टिव ग्रीन हाउस गैस दैन कार्बन डाइऑक्साइड बट इट इज़ लेस एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर इसी तरह हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड इट इज़ नाइट्रक्साइड और नैचुर गैसिस प्रोड्यूस फ्राम माइक्रोबल एक्शन इन दॉयल तो ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इस्पेली फॉर बाई फॉसल फ्यूल बर्निंग की वजह से सॉयल कल्टिवेशन प्रैक्टिस की जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या कमर्शल फर्टिलाइजर्स तो वहाँ पर निकलता है या बायोमास बर्निंग की वजह से साइंटस्टस कहते हैं इसकी जो प्रोडक्शन है ये इनक्रीज हुई है बाई द यूज़ ऑफ़ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर ये मेन कॉज है इसका इसकी वजह से बढ़ गई है इसकी कंसनट्रेशन एज वेल एज बाई द यूज ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबील जो वाटर वेपर है ये जिम्मेदार है अकाउंट है रेस्पॉन्सबल फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट थर्टी सिक्स टू सिक्सटी परसेंट सिक्सटी सिक्स परसेंट क्लियर कंडीशन में अगर क्लाउडी होगा तो सिक्सटी सिक्स टू एटी फाइव परसेंट तो मगर जो ये वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन रहती है ये फ्लक्चुएट होती रहती है मीनज ये हमेशा चेंज होता रहता है इट इज़ नॉट फिक्सड इट इज़ कंसनट्रेट इज़ हाईली वेरिएबल हाईली वेरिएबल होती है कभी कम हो सकती है कभी ज़्यादा हो सकती है एटमॉस्फेयर में और ये डिपेंड करती है लॉर्ज ऑन द टेम्परेचर From less than 0.01% in extremely cold regions, up to 3% by mass in saturated air at about 32 degree Celsius. उसके बाद जो ग्राउंड लेवल या ट्रोपोस्प्रिक ओजोन होता है देखो जो हमारे पास ओजोन होता है वो में, जो डेट इज बेनिफिशियल, वो अल्ट्रावाट ट्रेस को चैक करता है मगर जो ट्रोपोसिप्रिक ओजोन होता है दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस इसको कहते हैं हम सरफेस या ओजोन क्योंकि जो ये ओजोन होता है ये एब्जॉर्ब करता है इन्फ्रा रेड रेडियशनस हाँ का केमिकल फार्मूला होता है ओ थ्री याद रखिये ये ऑक्सीजन की एक अलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है तो ओजोन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है इन्फ्रेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस इफेक्टिवली ट्रैपिंग हीट इन द ट्रोपोसिफियर तो ये ओजोन कैसे बनता है जो ट्रोपोसिफिर ओजोन होता है ये बनता है एज ए रिज़ल्ट एयर पोल्यूशन ख़ासकर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी पोल्यूटेंट्स एटमोसफियर में जाते हैं तो वहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है सनलाइट की वजह से तो वहाँ पे ओजोन प्रोड्यूस होता है तो ये मेन सोर्स है ट्रोपोसिफ्रिक या ग्राउंड लेवल ओजोन का तो जो बेस्ट एस्टिमेट किए जाते हैं नेचुरल कंसनट्रेशन ऑफ सरफेस ओजोन का वो है टेन पार्ट्स पर बिलियन और जो सरफेस ओजोन होता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट थ्री फाइव वाट पर स्क्वायर मीटर तो ओज़ोन बढ़ भी सकता है अनहेल्दी लेवल्स तक उन सिटीज़ में प्रोन टू फोटोकेमिकल स्मोक जहाँ पे ये फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ओजोन अकाउंट फॉर सेवन परसेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट सेवन परसेंट है ये उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैसेस फ्लोरिनेटेड गैस जो होते हैं दे आर एमिटेड और प्रोड्यूस फ्राम वेराइटी ऑफ जो फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं ये मैन मेड गैस होते हैं और इसके चार कैटेगरीज होती हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनस, पर्फलोकॉर्बनस सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड जो फ्लोरिनेट गैस होते हैं ये बहुत कम क्वांटिटीज में इमिट किए जाते हैं बनस्बत बाकी गैस ग्रीन हाउस गैस के तो दे अकाउंट फॉर जस्ट टू परसेंट ऑफ मैन मेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस सिर्फ तो दो परसेंट है मगर ये बहुत सारी हीट को ट्रैप करते हैं और उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशल है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा आगे आ, वो है इट इज़ इन थाउजेंड टू टैनज ऑफ थाउजेंड्स और उनमें दे देवे लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम्स ये बहुत देर तक एटमोसफियर में रह सकते हैं क्योंकि ये इज़ली डिग्रेड नहीं होते और कभी कभी ये रह सकते हैं टेनज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसलिए ये बहुत ही हार्मफुल है अब जो ये फ्लोरिनेट कार्बन गैस होते हैं ये कहाँ से आते हैं जो हमारे पास ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस थे क्लोरोफ्लोकार्बन, उनको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे हाइड्रोक्लोरोबनस खासकर एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में तो उसकी वजह से ये रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में तो मगर इनमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है ये बहुत देर तक एटमॉस्फेयर रह सकते ये इजली डिग्रेड नहीं होते हैं तो इन को रिप्लेस करना और उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना ये एक बेस्ट इम्पोर्टेंट सोलूशन माना जाता है क्लाइमेट एक्शन को रोकने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इट इज़ अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए गैस टू ट्रैप थर्मल एनर्जी इन द एटमोसफियर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इसको लिखते हैं सिंपली जी डब्ल्यू पी जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रेफरेंस गैस लेके रेफरेंस ग्रीन हाउस लेके इसका वैल्यू या रेटिंग वन देती दी और जो बाकी गैस होते हैं ग्रीन हाउस गैस उनको इससे रिलेट करके उसका उनका वैल्यू निकालते हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना तो ये डिपेंड करता है तीन मेन फैक्टर्स पे फर्स्ट वन हाउ मच मीनस कितनी परसेंटेज है कंसंट्रेशन है हायर द कंसंट्रेशन हायर द वार्मिंग नंबर सेकंड हाउ लॉन्ग मोर द लाइफ स्पेन ग्रेटर द वार्मिंग नंबर थर्ड हाउ पावरफुल एफिशंसी ऑफ हीट ट्रैफिक ये तीन फैक्टर्स है एसपी जो लास्ट वाले दो है लाइफ स्पेन एंड एफशंसी ये डिटरमाइन करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को तो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर हंड्रेड ईयर्स टाइम स्केल तो रेफरेंस मैंने भी बोला हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम वैल्यू वन देते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसकी जो लाइफ टाइम होती है थर्टी टू नाइन्टी फाइव ईयर्स एज टेक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसी तरह मीथेन इट इज़ ट्वेंटी फाइव टाइम्स मोर पोटेंट दैन कॉरबन डाईआक्साइड और इसकी लाइफ टाइम सिर्फ टूवेल्व ईयर्स होती है नाइट्रस ऑक्साइड इट इज़ थ्री हंड्रेड टाइम्स मोर स्ट्रॉ एज अ ग्रीन हाउस गैस दैन कॉरबन डाईआक्साइड लाइफ टाइम इज़ हंड्रेड ईयर्स मगर जो फ्लोरो फलोनीटिक गैस होते हैं उनकी जो पोटेंशल होती है ग्लोबल वॉल दैट इज़ थाउजेंड टाइम्स दैन कॉर्बन डाईआक्साइड ये सबसे ज़्यादा पोटेंट होते हैं तो और उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो ज़्यादा लॉन्गर होती है बहुत देर तक रह सकते हैं एटमोसफियर क्योंकि ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं और जो इनकी एफिशेंसी है ट्रैपिंग हीट करने की वो बहुत ही हाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर वन है वैल्यू और जो मीथेन, इट इज़ ट्वेंटी फाइव मोर पोटेंट दें कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड अबाउट थ्री हंड्रेड टाइम्स टू नाइनटी एट इसी तरह आप देखिए हाइड्रोफ्लोरो उनमें हाईली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है अगर ये बहुत कम कंसनट्रेशन तो में होती है मगर पोटेंशियल में ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत देर तक एटमासफियर में रह सकते हैं ज़्यादा हीट ट्रैप कर सकते हैं तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब दे सकते कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड करता है फिफ्टी सिक्स परसेंट कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उसके बाद मीथेन एटीन परसेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बनस थर्टीन परसेंट ओजोन सेवन परसेंट नाइट्रस ऑक्साइड सिक्स परसेंट एंड फ्लोरिनेटेड गैसेज जस्ट टू परसेंट वाटर वेपर जो है इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्लासिफिकेशन ये याद रखिएगा आप क्योंकि बिकॉज इट इज़ कन्सनट्रेशन वेरीज विथ टेम्परेचर इसकी जो कंसनट्रेशन है एटमासफियर में वो चेंज होती रहती है टेम्परेचर के हिसाब से ये कभी बढ़ भी सकता है कभी कम हो सकता है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में मगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है तो वट कैन वी डू नाउ हम क्या कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को चेक कर सकते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड में इस पे काम कर रही है जो सबसे बड़ा एफर्ट लगाया गया था ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के दैट वाज अ कोटो प्रोटोकॉल कोयोटो एक प्लेस है जापान में वहाँ पे 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बताया गया जो ग्रीन हाउस गैस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ इसको कम करना चाहिए ताकि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है या यूरोपियन यूनियन है उन्होंने वादा किया था हम ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रोटोकॉल में इस्पेली जो ग्रीन हाउस गैस है रेस्पॉन्सबल है तो इसको कम करने पे जोर दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं हमें क्या करना चाहिए वी हैव टू प्लॉट मोटरीज मोर एंड मोटरीज क्योंकि ट्रीज़ जब लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सकता है रिड्यूस रि रिसाइकल यूज़ लेस हॉट वाटर टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वे नॉट इन यूज़ और और एक चीज़ हमें ऑल्टरनेटिव तो सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढनी चाहिए क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो जब हम उनको बर्न करते हैं उसकी वजह से बहुत सारी स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो ये भी एक सोलूशन है सबसे बड़ी चीज वी हैव टू सेपरेट अवेयरनेस एम द मास व्यूअर्स बिफोर कंक्लूडिंग मैंने यहाँ पे कुछ एम सी क्यूज दिए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक विच आर ऑस्कर इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पे है इसके चार ऑप्शन है आप ये खुद पढ़ सकती है आपने आपको इवॉलवेट कीजिए आपने कितना ग्रास्प किया है दिस क्वेश्चन नंबर टू This is question number three. This is question number four with the four options each. Question number five, question number six, question number seven, question number eight, question number nine, question number ten, question number eleven finally i have also provided answer key to these questions you can check and tell your answers with this thanks for watching see you in the next video till then goodbye